गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नयन आज का ऑनलाइन क्लास लेकर रेडी हूँ। हमारा जो इलेक्ट्रिकल का पोर्शन है लगभग कंप्लीट हो चुका है और जो बचा हुआ है वो सारे फैकल्टी मेंबर जो है कंप्लीट कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिकल जो है स्ट्रीम के जो भी हैं। तो हमारा जो आज का क्लास होगा वो होगा स्पेशल। क्यों स्पेशल होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिकल के साथ आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पेपर भी पढ़ना होता है। तो आज मैं बताऊंगी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। अब इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताना चाहूंगी तो इतना बताऊंगी कि जैसे इलेक्ट्रिकल जो है इलेक्ट्रॉनिक्स को साथ में लिया हो तो जैसे भाई बहन, एक दूसरे के बिना चल नहीं सकता। आप जितना भी इलेक्ट्रिकल जो सामान देखते हो, इलेक्ट्रिकल मशीन देखते हो, सब में क्या होता है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर हो गया, चलता तो इलेक्ट्रिसिटी से है, ठीक है, चलता तो इलेक्ट्रिसिटी से, चाहे वो आपका जो है मोबाइल बोल लीजिए। मोबाइल भी क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बोलते हैं, लेकिन है क्या वो, चार्ज किससे करता है, इलेक्ट्रिकल है ना वो। तो बोल सकते हैं कि जितना भी डिवाइस है इलेक्ट्रिकल का, सब में इलेक्ट्रॉनिक्स कहीं ना कहीं यूज होता है। तो एक दूसरे के जो है पूरक है, या फिर बोल सकते हैं छोटा सा एग्जांपल से कि भाई बहन, बिना इलेक्ट्रिकल के इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं हो सकता और बिना इलेक्ट्रॉनिक्स के इलेक्ट्रिकल नहीं हो सकता। क्लियर है ये बात? तो आज मैं आपको बताऊंगी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बताना चाहूंगी स्टार्टिंग का। जैसा मेरा नाम है बेसिक यहाँ पे बताने का, तो मैं क्या करूंगी बेसिक ही बताऊंगी। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे क्या, सबसे पहला जो टॉपिक होगा आपके स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, आपके लेफ्ट स्क्रीन के लेफ्ट साइड में सेमीकंडक्टर। पहले जानेंगे सेमीकंडक्टर क्या होता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर ही है इलेक्ट्रॉनिक्स का बेस। ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना हो तो सबसे पहले सेमीकंडक्टर को समझना होगा, उसके बाद आपको डायोड को समझना होगा। ऑब्वियसली सेमीकंडक्टर जो है बेस होने के बाद आस्ते आस्ते आपको जितना इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है जो मैं कवर करवाऊंगी आपको, और आपको क्लियर करते जाऊंगी और क्लियर होता जाएगा आपका। लेकिन एक अनुरोध है आपसे कि जो भी वीडियो आप देखें ना, एक बार नहीं कम से कम दो बार देखें, क्योंकि ताकि समझ में आए आपको अच्छे से, और नहीं समझ आने पे आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में मुझे कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो सेशन होगा वो। तो हमारे सेमीकंडक्टर पहला टॉपिक का नाम है, तो सेमीकंडक्टर क्या होता है ना, तो क्या होता है, वैसा पदार्थ जो ना पूर्ण रूप से कंडक्टर हो और ना ही पूर्ण रूप से इंसुलेटर हो। क्लियर है? वैसा पदार्थ जो ना पूर्ण रूप से कंडक्टर हो ना पूर्ण रूप से इंसुलेटर हो। आप बोलेंगे आप सवाल कि मैम इंसुलेटर और कंडक्टर क्या होता है, तो वैसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो आसानी से हो पाए वो क्या कहलाता है, कंडक्टर कहलाता है। जैसे आप देखो घर में जो तार यूज करते हो आप, वो क्या है, जैसे ही आप उसको प्लग से लगाते हो, सप्लाई देते हो, क्या होता है, पास में लगा हुआ बल्ब उसके साथ जो कनेक्ट किया हुआ बल्ब रहता है वो क्या होता है, जलने लगता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो कंडक्टर किसको बोल रहे हैं हम लोग, कंडक्टर जिसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो पा रहा है वो क्या कहला रहा है, क्या कहला रहा है, कंडक्टर कहला रहा है। और सेकंड इंसुलेटर है, ये वैसा पदार्थ जिसमें करंट फ्लो हो ही ना, तो वो क्या कहलाता है, इंसुलेटर कहलाता है। अब आप बोलेंगे मैम तो बांटा क्यों गया है, कंडक्टर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर क्यों बोला गया है? तो हर एक चीज का जो है ना डिवीजन किया गया, हर एक चीज का डिवीजन किया गया, चाहे वो कोई भी, जैसे आप अगर मैग्नेट वाला पार्ट में जाओ तो मैग्नेट में भी तीन टाइप का बताया था मैंने, ठीक है, फेरो पैराडाई, उसी तरह क्या हो रहा है यहाँ इलेक्ट्रिकल में, कंडक्टर सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को बांटा गया है। तो कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो कर पाए अच्छे से, इंसुलेटर जिसमें से करंट फ्लो ही ना करे। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बता रखा है, आप प्लास्टिक देख लो, लकड़ी देख लो, ये क्या है, ऊष्मा का, ये सॉरी बिजली का क्या है, वो सब कुचालक है। क्लियर है? सुचालक और कुचालक यही है, ठीक है। और अर्धचालक जो हम लोग है इसको पढ़ रहे हैं आप सेमीकंडक्टर के बारे में, तो आप पता चल गया होगा आपको कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, कंडक्टर जिसमें से करंट आसानी से फ्लो करे, इंसुलेटर जिसमें से करंट आसानी से फ्लो ना करे, और सेमीकंडक्टर जिसमें कि दोनों का गुण रहे, मतलब फ्लो भी हो और कम फ्लो हो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर तो पता चल गया क्या होता है, तो सेमीकंडक्टर जो होता है ना वो दो टाइप का होता है। क्या होता है? दो टाइप का होता है, पहला होता है इंट्रिंसिक और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। मे बी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा दिक्कत हो, लेकिन ये जो है एग्जैक्ट वर्ड यही है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। क्लियर है? यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। अब आते हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पे। तो इंट्रिंसिक क्या है? इंट्रिंसिक बोलते हैं प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। प्योर फॉर्म कहने का मतलब क्या है, उसमें कोई भी अशुद्धि ना मिला हो। क्लियर है?
क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर आप सिंपल सा देखो ना, एग्जांपल के तौर पर बना रही हो, सेमीकंडक्टर का नहीं है बट एग्जांपल के लिए, अगर आप 24 कैरेट का सोना का कुछ बनाते हो ना, तो वो क्या होता है, उसमें लचक होती है, मतलब प्योर होता है वो, तो उसमें लचक होती है। जिस तरह का ढांचा बनाना चाहो तो वो ढांचा बनता नहीं है, क्लियर है। तो उसी उसमें क्या करते हैं, 22 कैरेट वाला या 18 कैरेट वाला आप देखोगे तो सोना तो रहता है बट उसमें कुछ मिलावट रहता है ताकि उसमें हार्डनेस आ पाए, क्लियर है। तो उसी तरह क्या होता है, यह है इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक। इंट्रेंसिक मतलब होता है प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। अच्छा, अब प्योर फॉर्म होगा ना तो वह सेमीकंडक्टर नहीं हो सकता है। जैसा मैं बता रही हूँ, प्योर होगा, अगर प्योर सेमीकंडक्टर बोल रहे हैं तो वो प्योर सेमीकंडक्टर ना होकर इंसुलेटर होगा। क्या होगा? इंसुलेटर होगा। क्यों होगा? तो बिना अशुद्धि के मिले हुए, बिना अशुद्धि के मिले हुए वो जो है सेमीकंडक्टर काम नहीं करेगा। क्लियर, आपको समझ में आ रही है बात? तो पहला जो इंट्रेंसिक है मेरा, प्योर फॉर्म ऑफ क्या मैंने बोला, सेमीकंडक्टर। तो प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर होगा तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, ना कि सेमीकंडक्टर का। नाम रख दिया गया सेमीकंडक्टर, लेकिन वो बिहेव किस तरह का करेगा, वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। तो बिना इंसुलेटर, बिना इसमें अशुद्धि मिलाए हम उसको सेमीकंडक्टर की तरह यूज नहीं कर सकते। ये क्लियर हो गया अच्छे से? तो इंट्रेंसिक आपको पता चल गया। आते बढ़ते एक्सट्रेंसिक की तरफ। एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? तो एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर वैसे सेमीकंडक्टर है जिसमें अशुद्धि को मिलाकर सेमीकंडक्टर बनाया गया। क्या बोला मैंने, इसमें तो प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर था, इसमें क्या है, अशुद्धि मिला दिया गया, इसलिए इसका नाम है एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर हो रहा है अच्छे से? आप एक से दो बार वीडियो को जरूर देखना। मेरा जो है आप लोग से अनुरोध है, इतना मेहनत करने के बाद आप जो है अच्छे से अगर पढ़ लोगे ना, तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्रैक होगा, चाहे वो जॉब के पर्पज से हो या फिर आईटीआई के पर्पज से। क्लियर है? तो एक्सट्रेंसिक जो है, फिर आपको पता चल गया कि इंप्योरिटी ऐड होगा, ठीक है। अब आगे जाएंगे, पहले कि एक्सट्रेंसिक होता क्या है, कितने टाइप का, ये तो मैंने बता दिया होता क्या, दूसरा है कितने टाइप का होता है। तो एक्सट्रेंसिक जो है ना, वो कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। पहला होता है पी टाइप और दूसरा होता है एन टाइप, ठीक है। पी मतलब होगा पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव टाइप जो होगा आपका, और एन जो है स्टैंड फॉर नेगेटिव। क्लियर है? पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे जो है, ये तो पी और एन बता रहा है, तो पी और एन जो होता है उसका कुछ खास क्वालिटी होता है, ठीक है, खास क्वालिटी होता है, हर एक चीज का अपना खास क्वालिटी होता है। पी जो है ये क्या दिखाता है, ये वाला जो है ये होल्स दिखाता है। क्या दिखाता है? होल्स दिखाता है। और ये क्या दिखाता है? इलेक्ट्रॉन दिखाता है। समझ में आ रही है बात आपको? पी जो है वो पॉजिटिव मतलब होल्स टाइप रहता है, और एन जो है नेगेटिव मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो बता रहे हैं आपको, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन को इसे ले रहे हैं। अब पी टाइप और एन टाइप क्या, मैंने बताया कि पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव हो गया, एन फॉर नेगेटिव हो गया। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव मतलब बताने के लिए आप सीख जाएं इस वजह से, लेकिन ऐसे बोलेंगे इसको पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा, अब पी टाइप और एन टाइप कब बोलेंगे इसको? तो पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर होगा ना, पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर होगा, ये हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सट्रेंसिक में, ख्याल रखिएगा बात को। अगर पी टाइप में जो बात कर रहे हैं, तो पी में क्या होगा, टेट्रावेलेंट इंप्यूरिटी ऐड किया जाएगा। मैंने अभी बताया ना दो लाइन पहले कि किस तरह का इंप्यूरिटी, किस तरह का अशुद्धि मिलाएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे, तो ये उसी के बारे में। अगर पी टाइप कोई सेमीकंडक्टर है तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, टेट्रावेलेंट जो है इंप्यूरिटी ऐड करेंगे। आप समझ रहे हो टेट्रावेलेंट मतलब ये कि कोई भी ऐसा सब आप ये एलिमेंट ले लो जिसमें जो है पी लाइन में बता रही हूँ, वैसा एलिमेंट ले लो क्या होगा, जिसके आउटर मोस्ट सेल में आपका तीन फ्री इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, लास्ट जो ऑर्बिट में आपका क्या होना चाहिए, थ्री जो है फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये ऐसा अशुद्धि इस टाइप के आपके सेमीकंडक्टर में मिलाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो इंडियम या फिर गैलियम। याद रहेगा आपको, इसको आप नोट भी कर सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है ताकि आपको याद रहे। जब पी टाइप का सेमीकंडक्टर कैसे बनेगा, तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा टेट्रावेलेंट इंप्यूरिटी ऐड करके। इसका मतलब यही है कि जिसके कोई भी एलिमेंट जिसके लास्ट ऑर्बिट में जो है वो क्या होगा, तीन फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, उसको उस तरह का अशुद्धि जो है ऐड किया जाएगा इसमें। अब पढ़ते हैं एन टाइप में, तो एन जो आपका पी टाइप था ना, ये हमेशा एक्सेप्टर कहलाता है। एक्सेप्टर क्यों कहलाता है, क्योंकि वो जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, मतलब लेता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लेगा ये वाला कंडीशन में। अब पढ़ते हैं एन टाइप में, तो आप यहाँ देख रहे हैं डोनर टाइप है, तो मतलब क्या, ये एक्सेप्टर होगा तो डोनर कौन होगा, यही ये ना इसको देगा, ठीक है, या फिर ये इसको ना देंगे। आपको मैं पी इंजेक्शन में बताऊंगी कौन किसको दे रहा है अभी, या आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो डोनर फैला रहा है और दूसरा नेगेटिव मैंने बताया था। अच्छा, एन टाइप में कैसा इंप्यूरिटी ऐड करेंगे,
एन टाइप में जो है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। पेंटावेलेंट कहने का मतलब होता है जिसके जो है आउटर मोस्ट सेल में पांच फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या बोला मैंने, जिसके लास्ट ऑर्बिट में एक दो तीन चार पांच, तो जिसके आउटर मोस्ट सेल में क्या होगा पांच फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वहां यूज करेंगे, वो इसमें यूज करेंगे इम्प्योरिटी वो एन टाइप में। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो पी टाइप और एन टाइप क्या है, दोनों सेमीकंडक्टर है लेकिन कैसे नाम पड़ा है। पी टाइप में क्या करेंगे टेट्रावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो मेरा बनेगा पी टाइप, और यहाँ पे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो मेरा बन जाएगा एन टाइप। क्लियर है? अच्छा, मैंने बताया था कि जैसे शुद्ध कंडक्टर शुद्ध सेमीकंडक्टर का बात होगा तो वो क्या हो गया, वो सेमीकंडक्टर नहीं इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, है ना। तो इंसुलेटर क्या करता है, एक टन में आप सोच लीजिए एक टन शुद्ध सेमीकंडक्टर में, एक टन शुद्ध सेमीकंडक्टर में एक ग्राम अशुद्धि मिलाई जाती है। क्या मिलाई जाती है, एक ग्राम अशुद्धि मिलाई जाती है। मतलब आप सोच लीजिए इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, वन ग्राम इम्प्योरिटी, तो मेरा क्या बन रहा है सेमीकंडक्टर बन रहा है। आपको क्लियर हो रहा अच्छे से, ये मेरा बेसिक क्लास है आज का स्टार्टिंग का, तो आपको बेसिक में कुछ कुछ समझना होगा जो टर्म आगे भी यह बढ़ता रहेगा और यूज होता रहेगा ताकि आपको समझ में आए कि हाँ ये चीज मैम ने यहाँ बताया था जो ये वाला चीज यहाँ उठ के आ रहा है। क्योंकि जैसे ही मैं पीएन जंक्शन स्टार्ट करूंगी ना डायोड के बारे में तो यही पी और यही एन का जिक्र होगा। क्लियर है अच्छे से, ये मेरा आपका आपका जो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर क्या होता है। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ ये भी पूछता है कि सबसे अच्छा सेमीकंडक्टर कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो होता है इलेक्ट्रॉनिक आप बोल सकते हो मदरबोर्ड या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कोई वैसा चीज डायोड हो गया, उसमें रहता क्या है, रहता है सबसे अच्छा से आपका जो है सेमीकंडक्टर क्या है, सबसे अच्छा सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम रहता है। पूछा भी जाता है इसका जो एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए और एटॉमिक वेट याद होना चाहिए क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है, इसका चार्ज भी पूछा जाता है कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये सब मैं नेक्स्ट वाले क्लास में चर्चा करूंगी। आई होप आपको मेरा क्लास समझ में आया हो, और बच्चों जितना से जितना ज़्यादा हो सके ना वीडियो को शेयर किया कीजिए, जितना स्टडी रिलेटेड ग्रुप है आपका और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है ये स्टार्टिंग है, ये फर्स्ट ईयर अभी जो हमारे बच्चे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो निकल रहे हैं पढ़ के, मतलब जिनका एग्जाम है और फर्स्ट ईयर जिनको ये चीज़ चल रहा है क्लास जो एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए ये फुलफिल है। इसलिए आप क्या करो दोनों जो है दोनों बैच वो दोनों देखो इसको, और जहाँ थोड़ा सा आपको लगे डाउट तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेक्शन में कमेंट करो। आशा करती हूँ आपको समझ में आए। आज का मेरा क्लास यही था, थैंक यू।